अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन एडजस्ट करने के तीन तरीके बताएंगे। पहले तरीके के तहत आपको रूलर इस्तेमाल करते हुए पेज मार्जिन किस तरह दिया जाता है वो बताएंगे। दूसरे तरीके में पेज मार्जिन प्री सेट के तहत किस तरह दिया जा सकता है। तीसरे तरीके में पेज मार्जिन कस्टम मार्जिन के तहत किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। ये ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में ओल्डर और न्यू वर्जन में मामूली से फर्क के साथ तकरीबन एक जैसा है। ये ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में बनाया जा रहा है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट ले लें जिसको आपने पेज मार्जिन देना है। पहला तरीका है रूलर। रूलर को इस्तेमाल करते हुए पेज मार्जिन किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास रूलर बार शो नहीं हो रही तो आप व्यू पर जाकर सिंपल रूलर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रूलर बार शो हो जाएगी। इसके बाद आप कंट्रोल आल करके मुकम्मल डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लें। मुकम्मल डॉक्यूमेंट आप होम पर जाकर यहाँ से सेलेक्ट के ऑप्शन से पर क्लिक करें और सेलेक्ट आल करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी मुकम्मल डॉक्यूमेंट जब सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आप लेफ्ट और राइट रूलर बार से आप रूलर को एडजस्ट करते हुए पेज मार्जिन दे सकते हैं। राइट इंडेंट को इस्तेमाल करते हुए आप इसको लाइन को आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपकी पेज मार्जिन आगे की तरफ मूव हो जाएगा। इसके बाद दूसरा तरीका है प्रीसेट। जाएंगे पेज लेआउट पर और यहाँ से आप पेज मार्जिन के लिए मार्जिन का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास मार्जिन के मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाएंगे, जिनमें नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। मिरर्ड आमतौर पर बुक्स की सेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट कस्टम सेटिंग जो कि आपने अपने पेज मार्जिन की होगी वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आप इनमें से कोई भी एक पेज मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेज खुद ब खुद ही पेज मार्जिन एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा तरीका है कस्टम मार्जिन। उसके लिए भी आप जाएंगे पेज लेआउट के ऊपर और यहाँ पर पेज सेटअप के ऑप्शन है और इसके आगे एक स्मॉल डॉट है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके पास शो हो जाएगी। इसमें आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट पेज मार्जिन के ऑप्शन दिए गए होंगे। आप इनको अपनी मर्जी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो आप रिव्यू में देख सकते हैं कि पेज मार्जिन किस तरह एडजस्ट हुआ हुआ है। अपनी मर्जी से पेज मार्जिन एडजस्ट करने के बाद आप सिंपल ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेज मार्जिन जो कि आपने एडजस्ट किया होगा ऑटोमेटिकली कस्टम मार्जिन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल आज का पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अपनी फ्यूचर वीडियो उन क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।